हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट टाइम हमने ये देखा कि CS1 का सिलेबस जो 25% कम किया गया था लास्ट 2 ईयर से ड्यू टू कोविड, वो किस तरीके से हमारे इस एकेडमिक ईयर में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज 2 साल से उसे ना पूछा गया है ना पढ़ा गया है। तो इस 2 साल अभी ये साल में वो टॉपिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट थे। तो वो जो लास्ट टाइम था वो CS1 के लिए था। नाउ इन दिस सेशन वी विल डू फॉर CS2। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो विल कवर हियर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ CS2। तो हम सभी को पता है कि कंप्यूटर साइंस में हमारे पास 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें से ये फर्स्ट चैप्टर जिसमें क्या है, माइक्रोप्रोसेसर का बेसिक थ्योरी है। ओके, और सेकेंड चैप्टर में उस माइक्रोप्रोसेसर 8085 की प्रोग्रामिंग है। थर्ड चैप्टर में इंटेल X86, मतलब यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसर्स और उनके कंपैरिजन है। फोर्थ चैप्टर में माइक्रो कंट्रोलर 8051 का थ्योरी हमें पढ़ना है, बेसिक प्रोग्रामिंग मॉडल एंड फ्लैग एवरीथिंग। एंड इन फिफ्थ वन दैट इज नेटवर्क टेक्नोलॉजी, ये चैप्टर जो है ये चारों से अलग है। ओके, तो आप जब भी पढ़िए ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये सीक्वेंस में पढ़िए, और फिफ्थ चैप्टर चाहिए तो आप पहले भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो विल स्टार्ट विथ द फर्स्ट वन। सो इंट्रोडक्शन टू म्यूपी 8085, इवोल्यूशन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर इज द फर्स्ट टॉपिक, एंड द सेकेंड इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ जेनेरिक माइक्रोप्रोसेसर। प्लीज स्टूडेंट्स, आप सभी ध्यान से सुनिए कि टॉपिक सारे पढ़ने हैं, इम्पॉर्टेंट सारे ही टॉपिक्स हैं, लेकिन ये जो मैं सिलेबस दे रही हूँ, दिस इज 25% जो सिलेबस कम किया गया था। ओके, सो डोंट थिंक कि यही पेपर में होगा, लेकिन चांसेस इसके भी ज़्यादा ही हैं। तो आपका जो 75% आप अभी तक 2 साल से था सिलेबस में, वो तो पढ़ना ही है, बट 25% जो ये है, इसमें से क्वेश्चंस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है फॉर CS1 एंड 2। ओके, सो ये दोनों टॉपिक हैं। इन दोनों टॉपिक्स पे बोर्ड में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक के लिए सिंपल है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो इसमें क्वेश्चन ये जो है वो 3 या 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ जेनेरिक माइक्रो प्रोसेसर, एंड थर्ड इज द सेम क्वेश्चन बट इन डिफरेंट पैटर्न, दैट इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ CPU आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, बोथ आर वन एंड द सेम। ओके, नाउ द सेकेंड चैप्टर इज इन इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ 8085, प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 8085। इसमें ये जो क्वेश्चन है ये दिए हुए हैं, दैट ड्रॉ एंड एक्सप्लेन प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 8085, और द सेकेंड क्वेश्चन इज, दोनों का आंसर ये जो है ये सेम ही होगा, बट इसके चांसेस पेपर में आने के काफ़ी कम है, तो अगर आप ये ना भी पढ़ें तो भी चल जाएगा। थर्ड इज इंट्रोडक्शन टू इंटेल X86 फैमिली, जिसमें 2 टॉपिक्स थे, 16-bit माइक्रोप्रोसेसर एंड 8086/8088 माइक्रोप्रोसेसर। तो इसके क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है, इट कैन कम फॉर 3 to 4 मार्क, दैट इज लिस्ट एडवांस फीचर ऑफ 16-bit माइक्रोप्रोसेसर ऑन लिस्ट एडवांस फीचर ऑफ इंटेल 8086 और 8088 माइक्रोप्रोसेसर। ये दोनों प्रोसेसर में से किसी का भी नाम अगर पेपर में दिया है, दोनों के फीचर्स मैक्सिमम सेम है, सो यू कैन राइट कॉमन फीचर्स। ओके, नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो कंट्रोलर 8051, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। यहाँ पे बस एक ही टॉपिक है, जो ये टॉपिक है ये आपको थर्ड चैप्टर के कंपैरिजन में लिखना रहता है कि माइक्रो कंट्रोलर कभी कभी क्यों अच्छा है, माइक्रो प्रोसेसर से बेटर क्यों है। तो इसके लिए एक ही क्वेश्चन है जो बोर्ड में भी बहुत बार पूछा गया है, दैट इज डिफाइन माइक्रो कंट्रोलर एंड स्टेट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर ओवर माइक्रो प्रोसेसर। तो यही आपके लिए इसमें से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, जो सिलेबस कम किया गया था उसमें से।
एंड लास्ट वन इज नेटवर्क टेक्नोलॉजी. इसमें क्या है, मीनिंग ऑफ प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल. ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स, ये टॉपिक्स को आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है. आप इसे कंफर्म करके ही पढ़ें कि हाँ आपने ये पढ़ा है कि नहीं, बिकॉज ये प्रोटोकॉल फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये चैप्टर में भी. सो प्लीज़ कंफर्म इट एंड लर्न दैट व्हाट इज मीन बाय प्रोटोकॉल एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ TCP/IP प्रोटोकॉल. ये दोनों क्वेश्चन किसी भी पैटर्न में कुछ भी पूछा, बट आपको वही थ्योरी लिखना है प्रोटोकॉल का, प्रोटोकॉल का पैटर्न फॉर्मेट देना है, प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म लिखना है, उसका मीनिंग लिखना है, उसके फंक्शंस लिखने हैं. ओके, कैसे वर्क करता है. तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डोंट लीव इट. इसके एग्ज़ाम में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, मैक्सिमम. ओके, कि ये होगा ही होगा. सो बेटर टू डू इट एंड ट्राई टू कम्प्लीट दिस 25% सिलेबस विद प्रीवियस 75%. ओके, सो प्लीज़ ट्राई टू कम्प्लीट ऑल दिस थिंग्स एंड नेक्स्ट वी विल कम अप विद दिस टॉपिक ओनली प्रोटोकॉल, बिकॉज ये चैप्टर का जो टॉपिक हमारा बाकी रह गया है वो प्रोटोकॉल ही है. सो नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन दिस प्रोटोकॉल टॉपिक. ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स.